गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आज की डेट है 26 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है वो एयर पोल्यूशन से संबंधित है। क्यों न्यूज़ में है ये सब तो आपको पता ही होगा। दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी अभी चिंताजनक बन गया है, इसके लिए ये न्यूज़ में है। तो हम न्यूज़ तो हमको पता है, हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। हम इस आर्टिकल को इस प्रकार से देखेंगे कि प्रीलिम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी डिटेल में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है वो मेंस में यूज हो सकते हैं और कहाँ पर प्रीलिम में क्वेश्चन बनेगा, तो उसका जवाब कैसे बन सकता है इसका, इसके बारे में देखेंगे। तो बात कर लेते हैं, पहले इस आर्टिकल्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन का कारण क्या है। पहले तो बात करते हैं एयर पोल्यूशन है क्या। एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, अगर मेंस में लिखना हो तो यहाँ पे ये आप डेफिनेशन से शुरू करने वाले हो तो ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो। वायु प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से वातावरण का संदूषण है जो मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का कारण बनने वाले जो दूषित पदार्थ होते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहा जाता है। ये गैस के कण और दोनों संयोजन हो सकते हैं, ये विभिन्न स्रोतों से आते हैं। वायु प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख प्रकारों में से एक है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, एयर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एटमोसफियर विथ हार्मफुल सब्सटेंस कैन एडवर्सली अफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वायु प्रदूषण है वो वातावरण में अगर कोई प्रदूषित पदार्थ आ जाते हैं उसे एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। अब इस जो प्रदूषण होते हैं, इस जो फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उन कारकों को, उन फैक्टर को प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, ये एक प्रकार का एनवायरमेंट पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। एनवायरमेंट पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन भी आता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी आता है, सॉइल पोल्यूशन भी आता है। तो एयर पोल्यूशन है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। बाद में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन में भी कई पोल्यूशन शामिल हैं। इसमें जो एयर पोल्यूशन है, जो वायु पर्यावरण है, उसमें कुछ प्रदूषण घुस जाते हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स घुस जाते हैं, जिससे पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है, एनवायरमेंट प्रदूषित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण शामिल है, मृदा प्रदूषण शामिल है, जल प्रदूषण शामिल है। तो ये प्रदूषण की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कारण की। तो पर्यावरण है, सॉरी एयर है, वायु है, वो प्रदूषित होती किससे है, क्या कारण है उसके। कारण के बारे में बात करें तो यहाँ पर 7 कारण दे रखे हैं। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु के लिए कौन से रेस्पॉन्सिबल कारण है या वायु प्रदूषित किससे होती है। तो बात करें पहले वाहन उत्सर्जन, जो वाहन चलते हैं उससे धुआं उत्सर्जित होता है ना, वो वाहन उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। फिर औद्योगिक गतिविधियाँ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, उससे भी होता है प्रदूषित। फिर जीवाश्म ईंधन का जलाना, कृषि गतिविधियाँ, वनों की कटाई, अपशिष्ट निपटान और प्राकृतिक घटनाएं जैसे जंगल में आग लगना है, ज्वालामुखी विस्फोट है, धुंध है, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रदूषण का कारण है। यहाँ पे दे रखे हैं इंग्लिश में व्हीकल एमिशन है जो एग्जॉस्ट वगैरह निकलता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, डिफॉरेस्टेशन है, वेस्ट डिस्पोजल है और नेचुरल इवेंट है। नेचुरल इवेंट में ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, डस्ट स्टॉर्म में ये भी रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आई कि कौन कौन से नेचुरल एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल है और कौन सी मैन मेड रेस्पॉन्सिबल है, इनमें ज़्यादा योगदान किसका है, तो आप देखोगे ज़्यादा योगदान है वो मैन मेड है, जैसे व्हीकल है ये ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में आपने देख लिया किस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हो। प्रभाव क्या पड़ता है, इससे इकोनॉमी भी प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट भी प्रभाव पड़ता है, पब्लिक हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप मेंस में लिखने बैठोगे तो ऐसे डायमेंशन बनाओगे कि इसका जो असर है वो स्वास्थ्य भी पड़ता है, ठीक है, इसका असर है वो पर्यावरण पर भी पड़ता है, इसका असर है वो अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। दोनों का तो आपको पता है अर्थव्यवस्था पर कैसे, तो अगर यंगस्टर है, जो यंग एज पॉपुलेशन है, वो बीमार पड़ेगी तो अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा ही होगा, ठीक है, इसलिए अर्थव्यवस्था पर भी इसका भुगतान पड़ेगा, तो इसका असर है वो इकोनॉमी पर भी पड़ता है। इस प्रकार से आप है वो अलग अलग डायमेंशन कवर करके आंसर मेंस में लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि कारण क्या है और वायु प्रदूषण होता क्या, डेफिनेशन हमने देखी। अब बात करें, देखो कोज हमने देख लिया, नेचुरल में डस्ट है, स्मोक है, मैन मेड में
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, व्हीकल है, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें वो रेस्पॉन्सिबल है। हम और ऑलरेडी इसको हम देख चुके हैं। बात करें कि सोर्स, हमने ऑलरेडी देखी इंडस्ट्रियल एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस जो यहाँ पे इमेज है ना, इसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। कारण यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे वो कारण मतलब कैसे इसको रोका जा सकती वो भी लिखा है। मोर प्लांट लगाओ, यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, यूजिंग इन्वायरमेंट फ्री जो फ्रेंडली व्हीकल है वो, यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब इसको आप है ना ये अलग अलग डायमेंशन में करके पॉइंट को एलेबरेट कर दो। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैसे उपयोग करना है, फिर अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर है उसका उपयोग किया जा सकता है, सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है, विंड एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। तो इसको अलग अलग पॉइंट से आप एलेबरेट कर सकते हो। तो इस इमेज में आपको आंसर मिल गया। इस एनर्जी में भी यहाँ पे भी इससे हार्ट डिजीज हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, अस्थमा है, रिड्यूस लाइफ स्पेन है, आई इरिटेशन है, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी बात की गई है कि एयर क्वालिटी है 0 से 50 तक अच्छी है, फिर मॉडरेट में आ जाती है, फिर ऐसा जो ग्रुप है जो टॉलरेबल नहीं है उनके लिए ख़राब है, फिर अनहेल्दी है, लास्ट में हेजार्डस आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी दे रखी है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। ये देखो कारण हमने देख लिए स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, अफेक्ट ऑन एयर को हमने देखा। फिर ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में बात करी। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, वो मेजर करता है एयर की क्वालिटी कैसी है उसको मेजर करता है। अगर 0 से 50 तक है गुड है, 51 से 100 के बीच में है तो मॉडरेट है, मतलब आप रह सकते हो। फिर अनहेल्दी हो जाता है जो एस सेंसिटिव ग्रुप है उनके लिए अनहेल्दी, फिर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, फिर वेरी हेल्दी अनहेल्दी, लास्ट में हिजार्डस आ जाता है, यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते हो। इस प्रकार की स्थिति है वो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में दे रखी है। अगर बार बार जो न्यूज़ में आता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऐसी स्थिति हो गई दिल्ली में, तो वो यही ये कहना चाहता है कि इससे ऊपर की स्थिति है, मतलब दिल्ली में रहने योग्य स्थिति भी नहीं बची है, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। सॉल्यूशन हमने देख ही लिया है, इन्वेस्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर जनरेशन है, इम्प्रूव डोमेस्टिक एंड जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना है, ग्रीन सिटी को बढ़ाना है, सिटी इस प्रकार से बनाओ, घर ऐसे बनाओ जो ग्रीनरीज हो, फिर जो एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह उनको रिड्यूस करना है, फॉरेस्ट में जो आग वगैरह लगती है उसको रिड्यूस करना है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको रोकना है, फिर बाद में जो यूनिवर्सल जो क्लीन एनर्जी है, अफोर्डेबल एनर्जी है, जो खाना वगैरह बनाते हैं उनके लिए क्लीन एनर्जी है उनको बढ़ावा देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना है। तो इसमें ये पॉइंट लिखे गए, इसको आप आंसर में घुमा फिरा के कैसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एयर क्वालिटी जो एयर पोल्यूशन होता है उससे निपटने के लिए, कॉम्बैक्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कॉम्बैक्ट एयर पोल्यूशन इसके बारे में बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, फिर सेक्टर स्पेसिफिक एंड इन्फ्लुएंस्ड स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है। फिर इनको जो मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से नेटवर्क भी बिठाया है ताकि इनको मॉनिटर कर सके, साथ ही साथ में सीएनजी और एलपीजी को बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ में इथेनॉल को भी बढ़ावा दिया, जो ऑयल वगैरह होता है उसमें इथेनॉल की मात्रा को बढ़ावा देने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। इसके लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बनाया है गवर्नमेंट ने, पहले हम BS4 पे थे सीधा ही BS6 पे ले गए हैं 2020 से, ये भी कोशिश की है। फिर बायोमास जो बर्न होता था उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, फिर क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जा रही है, एक सर्टिफिकेट भी है जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, जो भी व्हीकल है उनके लिए सर्टिफिकेट होता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। फिर एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है ना 1981 का, उसके तहत क्या है, उसके तहत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, साथ ही साथ में ऐसी इंडस्ट्रीज है ना जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है उनके लिए 24/7 है वो मॉनिटरिंग की व्यवस्था, ताकि उसमें कभी भी देखा जा सकता है कि वो कितना प्रदूषण कर रही है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। फिर उसके लिए क्रेकर जो फायर क्रेकर होता है उन पे बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसी कई प्रकार से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। फिर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान भी दिल्ली के लिए बनाया है, कैसे भी करके दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन उसको रोका जा सके, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी गई है कि गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम कर रही है अपनी ओर से। तो ऐसे है ना आप मेंस में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अगर क्वेश्चन आए एयर पोल्यूशन से, पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर कुछ प्रॉब्लम लिखनी है कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जो जो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, हेल्थ है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, इन पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो लिखी।
फिर क्या क्या सुझाव देने हैं, फिर पहले गवर्नमेंट के प्रयास, गवर्नमेंट ये प्रयास किए, फिर अपनी ओर से कुछ सुझाव दे सकते हो जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे वैसे, फिर लास्ट में जाके आप कंक्लूजन लिख सकते हो। इस प्रकार से आंसर देना है मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। यहाँ पर स्मोक टावर के बारे में बात की। स्मोक टावर क्या होता है? स्मोक टावर इस प्रकार से इसे बनाया जाता है, एक डिज़ाइन की जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, ऊपर एक बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, ये जो प्रदूषित हवा होती है ठीक है, इस हवा को इस जो पंप होता है उसमें घुसाया जाता है। फिर इसमें फिल्टर लगे होते हैं, ये फिल्टर क्या करते हैं, ये जो प्रदूषित हवा होती है, दूषित हवा होती है, इसको शुद्ध करती है और एनवायरमेंट में छोड़ देती है। तो ये इस प्रकार से काम करते हैं, पहले इसमें प्रदूषित हवा आएगी, फिर फिल्टर से शुद्ध किया जाएगा और फिर इसे छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद में इसे इंस्टॉल किया गया था। तो ये स्मोक टावर ये होते हैं जो हवाओं को शुद्ध करने का काम करते हैं। 40 इसमें फैन लगे होते हैं, 5,000 से ज़्यादा फिल्टर लगे होते हैं, 20 करोड़ की इसमें खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई स्मोक टावर के बारे में। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करी तो इसमें एक नंबर होता है, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन, एक रंग, एक नंबर, एक विवरण इसमें दिखा होता है। और हमने देखा ना ऊपर अलग अलग कलर होते हैं, जैसे 0 से 50 तक अलग कलर था, फिर 50 से 100 तक अलग कलर था। तो ऐसे अलग अलग कलर, अलग अलग नंबर, अलग अलग डिस्क्रिप्शन। 0 से 50 का मतलब होता है एयर क्वालिटी अब गुड है, फिर ठीक ठीक मॉडरेट है, लास्ट में जाके 300 तक जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऐसा दर्शाया गया है। ऐसा क्यों है? ताकि आसानी से समझ सके। अब लोगों को पढ़ना तो नहीं आएगा, तो लोग कलर देख के समझ पाएगी कि अगर न्यूज़ में कहीं भी दिख रहा है कि कलर ऐसा है, रेड कलर टाइप का है, तो मतलब ठीक है, उसी ऊपर अलग अलग कलर बदलता जा रहा है, इसके मतलब ख़राब है। इसे स्वच्छ भारत मिशन था, उसके तहत इसे लाया गया था। अब इसमें है ना अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग सूचकांक है। पहले 3 सूचकांक थे, फिर 5 और ऐड कर दिए, अब टोटल 8 हैं। अब इन 8ों का नाम याद रखना, क्योंकि प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने सूचकांक है? टोटल 8। कौन कौन से हैं? UPSC से नहीं पूछेगा, UPSC से नाम दे देंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है या इनमें से कौन कौन से शामिल है, ऐसे UPSC पूछ सकती। तो पहले याद रखना PM10, PMG को याद रखना, PM10, PM2.5, PM10 है, PM2.5 है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये चीज़ें शामिल है। 8 का यह नाम याद रखना, PM10, 2.5, N2O, SO2, CO, O3, NH3 और PB, ये चीज़ें इसमें शामिल है, इसको याद रखना। अब ये जो 8 होती है, इनकी 24 घंटे निगरानी होती है, फिर इन निगरानी के आधार पर बताया जाता है कि किसी एरिया की जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। दिल्ली में अभी बताया जा रहा है AQI किस प्रकार का है, तो इन 8ों को ट्रैक करके बताया जा रहा है। अगर इस 8ों में वृद्धि हो रही है तो दिल्ली का ख़राब एरिया है, जो पॉल्यूशन है वो ख़राब है, कम है तो वहाँ पर पॉल्यूशन है वो कम है, ये 8ों को ट्रैक किया जाता है। तो 8ों के नाम आपको याद होना चाहिए, PM10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB, इन 8ों के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ग्रीन है तो अच्छा है और इस टाइप का कलर है तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है जी, ये तो बात होगी इसके बारे में। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी है, ये प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या सुझाव दे रखे, वही हम डिस्कस कर। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, कुशल ऊर्जा उपायों को बढ़ावा देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ऊर्जा के लिए बेहतर मानदंड है, ग्रीन कॉरिडोर को बढ़ावा देना है, तो यही सारी चीज़ें वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई सफ़र के बारे में, सफ़र क्या है, वायु गुणवत्ता और मौसम प्रणाली है, ये किसके अंतर्गत आती है, ये दिल्ली में जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है ना, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और पुणे मुंबई में भी ये और अहमदाबाद में भी लोकेटेड है। और भारत की जो IIT है ना पुणे द्वारा, उनके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये अलग प्रकार के जो भी सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, PM2, PM10, इनको नापती है और उनके द्वारा वायु प्रदूषण है उसकी निगरानी का काम करती है। तो ये सफ़र के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है जी, सफ़र के बारे में। फिर यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन क्या हमने देख लिया है, लैंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लाइट पोल्यूशन होता है, इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे बस वही सिंपल आप समझ ही जाओगे क्या होता है, भूमि में कुछ अलग गंदी चीज़ें मिल गई, अपशिष्ट पदार्थ मिल गए तो वो लैंड पोल्यूशन हो गया, शोर ज़्यादा ध्वनि करोगे शोर, बस सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने अभी देखा था ना PM10, PM2.5, NO2, SO2, वो क्या थे, AQI में 8 शामिल थे, AQI में 8 जो शामिल थे ना प्रदूषक, उनके बारे में था। अब यहाँ पे जो
प्राइमरी प्रदूषक है वो और सेकेंडरी प्रदूषक है उनके बारे में बात है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, यूपीएससी कन्फ्यूज। आप ऐसे अलग अलग पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे आपको, आठ को भी याद रखना है, फिर प्राइमरी को याद रखना, सेकेंडरी को याद रखना, इन सब में कन्फ्यूज मत होना। वो आठ अलग थी, प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है। तो यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ भी चुका है और पूछ भी सकता है। जैसे प्राइमरी की बात करें, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो प्राइमरी में आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्राइमरी में आता है। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट प्रदूषण फैलाते हैं, कोई दूसरा कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं, डायरेक्ट जिससे प्रदूषण फैल रहा है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गई। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, फिर अमोनिया है, अमोनिया याद रखना, अमोनियम नहीं है, अमोनिया है NH3, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है, फिर पर्टिकुलर मैटर्स है PM है, फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है VOC है। ये है आगे प्राइमरी में, प्राइमरी कौन कौन से, CO याद रखना, NO याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, PM पर्टिकुलर मैटर, अमोनिया NH3 और VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन नाम याद रखना ठीक है। CO NO SO2 NO2 PM VOC NH3 डायरेक्ट याद रखना प्राइमरी। सेकेंडरी में SO था ना, SO2 उसकी जगह हो जाएगा SO3, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा, ट्राई होती इसको तो आप याद रखिए, सिंपल याद आ जाएगा कि ये सेकेंडरी में आता है। नाइट्रिक एसिड वहाँ पे क्या था, NO था, नाइट्रिक ऑक्साइड था, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 है, तो HNO3 मतलब किस में आ जाएगा, ये सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे SO2 था, यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन पैराऑक्साइड H2O2 ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा, तो ये सारे तो याद रह जाएंगे। एक आपको ओजोन कन्फ्यूज कर सकती है, PM दोनों में आ रहा है ये दोनों को भी। फिर अमोनिया है, वहाँ पे अमोनिया तो NH3 था या अमोनियम है, तो अमोनियम ओजोन और पर्टिकुलर मैटर आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो पर्टिकुलर मैटर दोनों में आ रहा है, ओजोन सेकेंडरी में आ रहा है और अमोनियम है, अमोनियम है वो सेकेंडरी में आ रहा है, अमोनिया प्राइमरी में आ रहा था, अमोनियम है वो सेकेंडरी में आ रहा है ठीक है। ये आपको समझ में, अब देखो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स फैक्टर्स आर एक्सपोजर बेंजीन पॉल्यूटेंट्स। बेंजीन होता है ना, उसके प्रदूषण में क्या उत्पन्न करते हैं, बेंजीन प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है। अब इसके बारे में आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, कैसे, आपको नहीं पता है जो ऑटोमोबाइल होते हैं मतलब गाड़ी वगैरह होती है उसका जो धुआं होता है उससे क्या निकलता है, टोबैको से क्या निकलता है आपको नहीं पता, वुड से क्या होता है आपको नहीं पता, बट आपको ये चीज़ पता है कि जो लकड़ी फर्नीचर वगैरह होते हैं इससे डेफिनेटली बेंजीन नहीं निकलता। मैंने ऐसे आंसर निकालता हूँ, अब इससे बेंजीन नहीं निकलता मतलब चार को हटा दो, चार कहाँ कहाँ है, इसमें चार हटा दो, इसमें चार हटा दो, इसमें चार, तो 1, 2 और 3 और यही आंसर है इसका, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, बेंजीन C6H6 है, ये क्लोरो कलरलेस फ्लेमलेस लिक्विड विथ स्वीट ऑडर की गैस है, यहाँ पे दिख रही है, रंगहीन ज्वलनहीन तरल और मीठी गंधहीन गैस है, संपर्क में आने से वाष्पित हो जाती है। ये बेंजीन प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे ज्वालामुखी है, जंगल की आग है, इनसे होती है, मानव से भी उत्पन्न होती है, मानव जैसे ऑटोमोबाइल से निकलती है, इंडस्ट्रीज भी है, तंबाकू है, लकड़ी के जलने से है, इन सब चीज़ों से निकलती है। लकड़ी के जो फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है उसमें बेंजीन का उपयोग किया जाता है और उससे बेंजीन बनती नहीं है। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आप देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात हो रही तो ये प्राइमरी हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये ठीक है, ओजोन नहीं, ये तो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका आंसर ठीक है। ये चीज़ें हो गई, तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में। तो जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित कर दिया गया है। तिमोर पिंगला, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है ठीक है, इसको 56वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नटका ने, राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण ने, नटका ने इसकी सलाह पर छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी उन्होंने गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था, और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इन दोनों को जोड़ के भारत का 56वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित कर दिया गया। तो ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, एक टाइगर रिजर्व था, एक सॉरी नेशनल पार्क था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क था और तिमोर पिंगला थी वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इन्हों को जोड़ा और बन गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को जोड़ा तो बन गया टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। कौन सा है, 56वां टाइगर रिजर्व इसे बना दिया गया।
अब बात कर लेते हैं गुरु घासीदास तमोरपिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इससे पहले तीन थे, कौन कौन से थे? इंद्रावती, ठीक है, उदंती सीता नदी, और तीसरा था अचानक मार। अचानक मार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी। अचानक मार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती, ये तीन थे। चौथा कौन सा हो गया? गुरु घासीदास तमरपिंगला। तो अब है छत्तीसगढ़ में चार, ये वो बन गए हैं टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में अब कितने हैं? चार है। पहले कौन कौन से थे? इंद्रावती था, उदंती सीता नदी और अचानक मार। अब कौन सा आ गया? गुरु घासीदास तमरपिंगला। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हो गए? चार हो गए। अब इसे कौन घोषित करता है? इसे नटका की परमिशन पे, नटका होते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नटका ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण इसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, 1972, ये सलाह किसकी लेती है? ये नटका की सलाह पर। तो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, नटका की सलाह पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करती है, घोषित करने का काम है वो राज्य सरकार का। किसकी सलाह पर है? वो नटका की सलाह पर करता है। नटका का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है टाइगर रिजर्व की घोषणा कौन करता है, किसकी सलाह पर करता है, कौन से अधिनियम के तहत करता है। तो नटका की सलाह पर राज्य सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत करता है। ये जो है ना वो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश का है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मानस टाइगर रिजर्व जो असम है, तीसरे नंबर पे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व आता है। टाइगर रिजर्व है ना, एक तो होता है कोर एरिया होता है, कोर एरिया जहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज नहीं की जा सकती है, जहाँ पर कोइनली यहीं वहाँ पे जो प्रजाति रह रही है, जो आदिवासी वगैरह वहाँ रह रहे हैं, वही वहाँ की चीज़ों को यूज कर सकते हैं और कोई उन चीज़ों को यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है बफर जोन। बफर जोन ऐसा एरिया होता है वहाँ पर जिसका उपयोग है वो कम्युनिटी के अलावा और लोग भी कर सकते हैं। बात करें इस एरिया की तो यहाँ पर लकड़बग्घा है, तेंदुआ है, सियार है, भालू, भेड़िया, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसके आसपास का एरिया है। यहाँ पर हसदेव, गोपद और बरगा जैसी रिवर भी फ्लो होती है। यहाँ पर लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया गया है। लैंडस्केप दृष्टिकोण क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये कोई टाइगर रिजर्व है, ये आसपास का दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन है, तो इनको जोड़ने के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी है वो प्रोटेक्शन वाला एरिया है, तो इनको जोड़ा जाता है आपस में, इसके लिए कहा जाता है लैंडस्केप दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अब ये पॉइंट चीज़ याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टाइगर रिजर्व अभी बना है गुरु घासीदास, इसकी बाउंड्री किस किस से लगती है? तो इसकी बाउंड्री एक तो लगती है संजय दुबरी। संजय दुबरी कहाँ का नेशनल पार्क है, कहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ये है महाराष्ट्र का, संजय दुबरी है, सॉरी मध्य प्रदेश का, संजय दुबरी है मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इससे बाउंड्री लगती है किसकी? गुरु घासीदास की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी ने कि गुरु घासीदास की बाउंड्री किस किस से लगती है, ऐसे पूछेगा, तो संजय दुबरी से लगती है एक तो, ठीक है। एक बांधवगढ़, बांधवगढ़ ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, तो बांधवगढ़ से भी बाउंड्री लगती है इसकी। और झारखंड का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है पल्लामू, तो पल्लामू से, ठीक है, फिर बांधवगढ़ से और संजय दुबरी, इन तीनों से बाउंड्री लगती है, सीमा लगती है किसकी? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बाउंड्री किस किस से लगती है? बांधवगढ़ से लगती है, संजय दुबरी से लगती है और पलामू से लगती है। पलामू झारखंड, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, इनसे इनकी बाउंड्री लगती है। तो ये था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट है कैग के बारे में। अभी है संजय मूर्ति जी है, संजय मूर्ति जी है वो कैग बन के चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन चुके हैं भारत के। नाम क्या इनका? संजय मूर्ति जी बन चुके हैं। बात करें कैग के बारे में तो अनुच्छेद 148 कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसमें लिखा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो कैग की नियुक्ति करेंगे, यानी कि उनको अपॉइंट करेंगे, उनके ही साइन के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनके जो वेतन होगा, जो सैलरी होगी, वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पर निर्भर करेगी, भारत की संचित निधि पर इनकी जो सैलरी है वो निर्भर करेगी। और ये है संसद कानून बनाकर ही निर्धारित करेगी, संसद मन चाहे वो तब वेतन है वो तय नहीं कर सकती, कानून बनाकर ही इनके वेतन और सेवा शर्तें वो तय करेगी। पहले इनकी अपॉइंटमेंट
148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। फिर इनकी वेतन वो संसद कानून बना के निर्धारित करेगी, और संचित निधि पर बात की, जो संचित निधि है उन पर इनकी वेतन है वो निर्धारित करेगी। इनकी पुनर्नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, कहीं पर भी इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए योग्य पात्रवाद नहीं है। अनुच्छेद 149 में कहा गया है इनकी शक्तियां हैं वो कार्य वो भी संसद द्वारा तय किया जाएगा। 1951 में कहा गया है ये जो अपनी रिपोर्ट है वो संसद को राष्ट्रपति जी को देंगे, राष्ट्रपति जी है वो इनकी रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखेंगे, मतलब संसद के दोनों सदन है उनके पटल पे रखने का काम है वो राष्ट्रपति जी द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर कैग के बारे में दिखाया गया है, पहले 148 कैग की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। फिर वेतन वो कंसोलिडेशन फंड पर निर्भर करेगा, सेवा शर्तें पार्लियामेंट तय करेगी, ठीक है पार्लियामेंट तय करेगी। फिर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है 149 में, यही कहा कि सेवा शर्तें संसद तय करेगी। 151 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगी, राष्ट्रपति संसद के दोनों पटल पर रखेंगे, ये बात यहाँ पे की गई है। अब इनके लिए एक अधिनियम भी है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ सेवा शर्तें अधिनियम 1971, इस अधिनियम के तहत इसमें लिखा गया है 6 वर्ष और 65 ईयर, इन दोनों में से जो पहले होगा वो इनके कार्यकाल होगा, या तो 6 वर्ष होगा या 65 ईयर, इन दोनों में से पहले जो पूरा हो जाएगा वो इनका कार्यकाल होगा। पद से कैसे हटाया जा सकता है, पद से राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से इनको ही पद से हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं उठा सकते आप, कभी मन चाहे तब जाके इनको पद से नहीं हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ऋण वसूली अधिकरण के बारे में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उनकी भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही, उनके पद खाली क्यों पड़े हैं, ऐसी बारे में बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। बात करिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में, तो इनको स्थापित किया गया था, इनकी स्थापना की गई थी एक अधिनियम के माध्यम से। कौन सा अधिनियम था, डेप्ट रिकवरी एंड बैंकरप्टसी, डेप्ट रिकवरी एंड बैंकरप्टसी एक्ट 1993, डेप्ट डेप्ट रिकवरी एंड बैंकरप्टसी एक्ट 1993, ये अधिनियम था। अधिनियम का नाम याद रखना, ऋण वसूली शोधन अक्षमता अधिनियम 1993। इस अधिनियम के तहत ऋण वसूली ट्रिब्यूनल यानी कि ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो डीआरटी की स्थापना है, एक अधिनियम के तहत की गई थी। कौन सा अधिनियम था, डेप्ट रिकवरी एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मतलब यह एक वैधानिक संस्था है, यह एक स्टेचरी बॉडी है, साथ ही साथ में यह एक जुडिशियल इंस्टीट्यूट है यानी कि न्यायिक विभाग है। न्यायिक संस्था क्यों है, क्योंकि न्याय का काम भी करती है। इसके पास में मूल क्षेत्राधिकार है यानी कि ओरिजिनल पावर है। ओरिजिनल पावर का मतलब क्या, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी और संस्था के पास जाने से पहले ही डायरेक्ट इनके पास में जाके सुनवाई की जा सकती है, ऐसी पावर है वो इनके पास में। काम क्या है, कोई भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनके जो भी बकाया होंगे उनको दिलाने का काम करेगी, उनसे संबंधित जो भी मामला है उनकी सुनवाई है वो सुनिश्चित करने का काम करेगी। ये 20 लाख से ऊपर के जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई है वो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है। सरफाइसी एक्ट के तहत भी इनको पावर दी गई है कि कोर्ट के बाहर ही मैटर को सॉल्व किया जाए, ताकि कोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो, न्यायालय का हस्तक्षेप हो वो कम हो। तो यहाँ पे बात करें डीआरटी के बारे में, ये आर्टिकल था पहले, तो डीआरटी इसकी स्थापना एक एक्ट के माध्यम से की गई थी। कौन सा एक्ट था, ये एक्ट था ऋण वसूली शोधन अक्षमता अधिनियम 1993, डेप्ट रिकवरी एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 का एक्ट था, इसके तहत इसकी स्थापना की थी। इसका मतलब यह एक स्टेचरी बॉडी है, साथ ही साथ में ये एक जुडिशियल इंस्टीट्यूट है, इसके पास में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है ये किसी और के पास जाए बिना यहाँ पे आप सुनवाई कर सकते हो, कम से कम 20 लाख की मामले की ये सुनवाई करता है। इसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, इसके ऊपर आप कोर्ट में जा सकते हो, इसके ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल होते हैं वहाँ भी जा सकते हो। सरफाइसी एक्ट के तहत भी इसको पावर दी गई है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी। तो आप अच्छे से याद कर लो क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है
वो सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स के बारे में है। इसमें भारत को 23वां स्थान मिला है। पॉइंट ये याद रखना, इसको किसने जारी किया था, इसको वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर और हेनरिक्स फाउंडेशन के द्वारा, वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर और हेनरिक्स फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया गया था। इसमें तीन आयाम थे, एक एनवायरमेंटल, एक इकोनॉमिकल आर्थिक, तीसरा सोशल। EES तीन आयाम के आधार पर ये इंडेक्स है वो जारी किया गया था। पहला किसको स्थान मिला कोई मैटर नहीं करता, हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बायो लीचिंग के बारे में, क्यों न्यूज़ में है। बायो लीचिंग से कुछ मूल्यवान धातु निकाली है, इसलिए बात करें बायो लीचिंग के बारे में। बायो लीचिंग होती क्या है? बायो लीचिंग में क्या होता है, कोई भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका उपयोग करके, जैसे कि प्रमुख धातु, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, माना कि मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। अब इसमें क्या होता है, गोल्ड भी होगा, ठीक है, कॉपर भी होगा, सिल्वर भी होगा, ये इम्पोर्टेंट है, मुख्य प्रमुख धातुएं होती हैं। अब इनको बाहर निकालने के लिए, मोबाइल में से इन धातुओं को बाहर निकालने के लिए इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों से या कुछ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होते हैं उनसे प्रमुख धातुएं, सोना, चांदी, तांबा वगैरह, उनको निकालने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, एक विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे बायो लीचिंग कहा जाता है। तो बायो लीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें सूक्ष्म जीवों का यूज करके अलग अलग खनिजों से, अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट पड़े हैं उनमें से इम्पोर्टेंट धातुओं को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें अलग अलग सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैसे बात करें विषमपोषी की, तो सूडोनोमास है, इनका नाम है सूडोमोनास है, बेसिलस है। सवपोषी की बात बात करें तो थायोबेसिली है, और कवक के बारे में बात करें तो एस्परगिलस है। ये सारे जो अलग अलग सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग किया जाता है। बेनिफिट क्या होता है, ये एनवायरमेंट के अनुकूलन होते हैं, पर इनमें कॉस्ट भी कम लगती है और ये ऊर्जा का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। ये पूरा बीच बायो लीचिंग के बारे में था। नेक्स्ट है ग्राई के बारे में, शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक, ग्रेवेंस रेड्रेसल असेसमेंट असेसमेंट इंडिकेशन, इसके बारे में बात करें तो ग्राई के बारे में है। तो ग्राई ने अभी अपनी रिपोर्ट जारी करी है, यानी कि प्रशासनिक डिपार्टमेंट ऑफ, यह ना, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। इसने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक की एक रिपोर्ट जारी की है 2023 की। इस जो रिपोर्ट है इसको ग्राई रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ग्राई इंडेक्स भी कहा जाता है। तो ये किसने जारी की है, ये की प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा ये जारी की गई है। DARPG द्वारा जारी की गई है, क्या जारी की गई, ग्राई। ग्राई के बारे में बात करें, ठीक है ना, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसकी स्थापना, ये शुरू कब किया गया था, इसे शुरू किया गया था पेंशन जो मिनिस्ट्री होते हैं ना, पेंशन मामलों के या लोक शिकायत मामलों के जो मिनिस्टर होते हैं उनके अंतर्गत एक आती है संसदीय समिति, आती है स्थायी संसदीय समिति, आती है उसकी सिफारिश पर DARPG द्वारा, यानी कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है उनके द्वारा इस रिपोर्ट की शुरुआत की गई थी, इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत है उस लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय की एक स्थायी संसदीय समिति होती है, उसकी सिफारिश पर DARPG ने इसकी शुरुआत की गई थी। ये चार आयाम और 11 संकेतकों के आधार पर केंद्रीय मंत्रालय के जो अलग अलग विभाग होते हैं उनके निवारण जो शिकायत होती है उसका आकलन करती है। चार आयाम कौन कौन से होते हैं, दक्षता है, फीडबैक है, डोमेन है और प्रतिबद्धता है, संगठनात्मक प्रतिबद्धता है। इनके आधार पर ये चार आयामों के आधार पर रिपोर्ट अपनी जारी करती है। तो इसके बारे में याद रखना, चार आयाम कौन कौन से हैं, कौन से डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई थी, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया था। चार आयाम हमने देख लिए, दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। उद्देश्य के बारे में बात करें तो शिकायत निवारण होती है, अलग अलग जो संगठन होते हैं वो किस प्रकार से शिकायतों का निवारण करते हैं उसके बारे में ये देख रेख करने का इसका काम करती है। अभी पहला नंबर है वो कृषि किसान कल्याण विभाग है, उनको मिला है। तो ये ग्राई के बारे में था। नेक्स्ट है वो GSAT-N2 के बारे में। अभी स्पेस एफ फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भारत के GSAT-N2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, इसके बारे में बात करें। GSAT-N2 के बारे में, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, इसे किसने बनाया था, तो इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि संचार उपग्रह है,
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था, जी सेट एन टू को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। लॉन्च किससे किया गया है, लॉन्च किया गया है इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा, इसे लॉन्च किया गया है। ये एक संचार यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अब बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो इसरो की ही एक ब्रांच है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की ही एक ब्रांच है। बात करें जी सेट एन टू की, तो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थानांतरित की गई है, यानी कि भूतुल्यकालिक कक्षा है उसमें इसे छोड़ा गया है। इसकी जो एवरेज है, अवधि है, वो 14 साल की है। वेट कितना था, 4700 किलो था, 4700 किलो वेट था। इसी के कारण इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया, क्योंकि जो हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है वो केवल 4000 किलोग्राम को ही ले जा सकता है, इसके ऊपर वो नहीं ले जा सकता, इसके लिए इसमें स्पेस एक्स की फाल्कन 9 का उपयोग किया गया है। ये क्या करेगा, ये ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं, फ्लाइट कनेक्टिविटी उसको बढ़ाएगा और पूरे भारत को कवरेज देने का काम करेगा जी सेट एन टू। तो ये जी सेट एन टू के था, जी सेट एन टू फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने बनाया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भारत का इसरो की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा बनाया गया है। ये भूतुल्यकालिक कक्षा है, उसमें इसे स्थानांतरित किया जाएगा। 14 साल की इसकी उम्र है, 4700 किलोग्राम इसमें वेट है और भारत में पास में क्षमता है वो 4000 किलोग्राम की है, इसलिए इसको फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। ब्रॉडबैंड सेवा देगा और फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करेगा। नेक्स्ट है वो दीपांग के बारे में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, ठीक है। बात करें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी एसेट मैनेजमेंट, इसके बारे में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के बारे में बात करें तो दीपाम ने अभी सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम, सेंट्रल सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइज के जो उपक्रम होते हैं उनके लिए कुछ मानदंड जारी किए। दीपाम ने कहा है कि जो भी केंद्र सेक्टर के जो उपक्रम है, ठीक है, जो एंटरप्राइज हैं उनको अपनी नेटवर्थ बढ़ानी होगी, ये बात की है। तो ये मानदंड हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए दीपांग के बारे में जरूरी है। दीपांग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है ना वो वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन की गई थी, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट याद रखना, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काम क्या करता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, एंटरप्राइज होते हैं, वो केंद्र सरकार किस प्रकार से निवेश करना है उन सब मामलों को देखता है। मतलब क्या, जो भी सेंट्रल सेक्टर जो एंटरप्राइज होते हैं, उद्यम होते हैं, वो किस प्रकार से उसमें विनिवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, बेचना है, ये सब चीज़ें वो दीपाम देखता है। इसमें विनिवेश, रणनीतिक विनिवेश शामिल है, निजीकरण शामिल है, हिस्सेदारी बेचना है, ये सारी चीज़ें वो दीपाम देखने का काम करता है। तो ये दीपाम के बारे में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बुध के अवशेष के बारे में, अभी बुध के 8वें अवशेष है, उसकी खोज करने के लिए एएसआई ने रामग्राम में उत्खनन शुरू किया है। बात करें बुध के अवशेषों के बारे में, तो बुध के अंतिम संस्कार के बाद में जो बचे हुए अवशेष हैं उसके बारे में बात हो रही है। बात करें कि जो बुध है ना, उनके जो अवशेष है ना उसके ऊपर स्तूप बनाए गए थे, जैसे राजग्रह है, वैशाली है, कपिल वस्तु है, अलपकप है, रामग्रम है, वेदापीठ है, पावा है, कुशीनगर है, पिपली वन है, यहाँ सब है बुद्ध के जो अवशेष है उनके आप ऊपर स्तूप बनाए गए हैं। जो बौद्ध मान्यता है उनके अकॉर्डिंग जो बुद्ध, भगवान बुद्ध है ना, उनको मोक्ष मिला था कुशीनगर जिले में, इनको मोक्ष मिला था और अंतिम संस्कार इनका मल्लोक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इनकी मान्यता के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो लाला लाजपत राय जी के बारे में है, जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को, मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। ये हिसार जिले के संस्थापक भी थे और लाला लाजपत राय है ना, बाल लाल पाल तीनों में से एक टिकड़ी में से भी शामिल थे। इन्होंने द पीपल पत्रिका थी उनका प्रकाशन किया था, द ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र था उनमें भी इनका योगदान था। इन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, स्वामी विवेकानंद जैसी कई पुस्तकें भी लिखी थी। इन्होंने महात्मा हंसराज जो कॉलेज है ना, एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। साथ में सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, उनकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी।
इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अमेरिका में की थी, उनमें भी इनका योगदान था। बात करें कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। और जो साइमन कमीशन है, उनका लाहौर का दौरा था, उस दौरान इन्होंने विद्रोह किया था, मतलब अहिंसक मार्च निकाला था। इस दौरान इन पर लाठियाचार्ज हुई थी, तो लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आर्टिकल लाला लाजपत राय जी के बारे में था। नेक्स्ट है एफएओ के बारे में। एफएओ संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक स्पेशल एजेंसी है। इसका जो मोटो है वो भूख मिटाना है। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। तो एफएओ संयुक्त राष्ट्र जो कि उसकी स्पेशल एजेंसी है, भूख मिटाना इनका जो मेन मोटो है। मोटो की बात बात बारे में बात करें, फिटस पेनिस लेयर ऑफ द ब्रीड, ये इनका मोटो है। हेडक्वार्टर रोम में है। 1945 में इसका स्थापना हुई थी और 1945 से ये काम कर रहा है। तो ये एफएओ के बारे में था। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? सोफिया, सोफो, सोफी, सोफा, सोको, ऐसे कहीं पे भी नाम हो तो आप समझ जाना ये रिपोर्ट है वो एफएओ द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पे ये देख लो, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एक्ट, सोफिया, सोफो, सोफी, सोफा, सोको और वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, इसको याद रखना। बाकी इसका थोड़ा बहुत आइडिया रखना कि ये एफओ द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर ये पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में बात करी, सिंपल पॉइंट में समझ लो, इसमें जो हाई एजुकेशनल होते हैं, ठीक है, 12वीं के पास में जो कॉलेज का एजुकेशन होता है, उसके लिए लोन दिया जाता है। लोन कितना दिया जाता है? 7.5 लाख से ऊपर ये लोन दिया जाता है। ये लोन होता है कोलेटरल फ्री होता है, कुछ भी गिरवी नहीं रखता है, रखना पड़ता है आपको। इस प्रकार से ये लोन दिया जाता है। अगर आपकी इनकम है वो कम है तो 3% का इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज जो है उनमें सब्सिडी भी दी जाएगी, सब्सवेंशन भी दिया जाएगा। ये 7 साल तक के लिए लोन दिया जाएगा। इसमें कई सारे फंड भी जारी किया गया है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र क्षेत्र की स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये चीज़ याद रखना। सेक्टर स्कीम अलग होती है और स्पॉन्सर्ड स्कीम अलग होती है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरीकॉम के बारे में। तो कैरीकॉम क्या है? कैरीकॉम का मतलब है कैरिबियाई जो देश है ना, उन देश विकासशील देशों का एक समूह है जिसे कैरीकॉम कहा जाता है। इस देश में कौन कौन शामिल है? ये सारे देश शामिल है, एजिटा, बारबुंडा है, बाहामास है, बारबोडोज है, ये सारे देश है वो कैरीकॉम में शामिल है। तो यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, इनके साथ में रिश्ते सुधारने के बारे में बात हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या बात करी थी? ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। इसमें 5 टी के पॉइंट को आप याद रखना। 5 टी में क्या क्या आता है? ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, टैलेंट है, ट्रेडिशन है, इनके बारे में बात करी थी। फिर स्ट्रेंथन इकोनॉमी के बारे में बात करी थी, एडवांस एग्रीकल्चर के बारे में बात करी थी, हेल्थ फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करी थी, बूस्टिंग साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, एनकरेजिंग कोलाब्रेशन के बारे में, क्लाइमेट और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करी थी, पीपल टू पीपल टाइज के बारे में बात की थी। तो इन सब एरियाज में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की थी कि यहाँ पे हमें है वो बढ़ा सकते हैं, संबंध बढ़ा सकते हैं। तो कहीं भी आंसर दिए ना हो तो आप इन पॉइंट को उपयोग में ले सकते हो। ये सारी किसी भी देश में कॉमन हो जाएंगे। और 5 टी है वो किसी भी IR का कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर ये 5 टी आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी जो बात रखी ये चीज़ें भी आ सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल इनसे संबंधित था, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर ये अर्मानिया के बारे में है। अर्मीनिया के बारे में बात करें तो ये रहा अर्मीनिया की लोकेशन, ये रहा अजरबैजान, ये जॉर्जिया, ये टर्की, ये ईरान, इनसे बाउंड्री लगती है अर्मीनिया की। ये हेरेवान अर्मीनिया की कैपिटल है। तो ये अर्मीनिया के बारे में कुछ मैप में दे रखा है, तो आपको जो पर्सन पहले से न्यूज़ में आता है ना वो आपको पता होना चाहिए। अर्मीनिया की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो नर्गेनो खारबास ए रीजन है, इनके कारण अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हो रही है। भारत है वो माना जाता है कि अर्मीनिया के थोड़ा क्लोज है, क्योंकि अर्मीनिया के साथ में इनकी डील भी हो रही है भारत की। तो ये पूरा रीजन है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे दे रखा है। भारत है वो इनके सहयोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अजरबैजान है वो भारत का उत्तर दक्षिण परिवहन है, उसका हिस्सा भी है, बट लेकिन अर्मेनिया के साथ में भारत के रिश्ते वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अर्मेनिया के बारे में कुछ आर्टिकल था। ये नेल्सन मंडेला जी के बारे में है, जो रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता थे, एंटी एपर्टाइज जो मूवमेंट थी उनके लीडर भी थे, दक्षिण अफ्रीका के इनको गांधी भी कहा जाता है। 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।